हेलो सैडो फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोग हमेशा अच्छे रहो। आज का हमारा टॉपिक है एसएमसी, स्टेप बाय स्टेप एसएमसी प्रोसीडर। एसएमसी को किस तरीके से फॉलो करते हैं, क्या क्या देखना है, क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे डीएम आया था कि सर ऑर्डर फ्लो चेक करना आता है, ऑर्डर बुक चेक करना आता है, बट इनका एक सिक्वेंस होता है, उसको हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉलो करते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, वैलिड पुल बैक। सबसे पहले आप लोगों को चेक करना आना चाहिए वैलिड पुल बैक। अगर आप लोगों को पुल बैक चेक करना नहीं आता तो जनरली आप लोग कभी भी स्ट्रक्चर मैपिंग तक नहीं जा सकते हैं, आप लोग कभी भी एसएमसी पे ट्रेड नहीं ले सकते। इसलिए मेक श्योर आप लोगों को सबसे पहले क्या आना चाहिए, वैलिड पुल बैक। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर वैलिड पुल बैक आप लोगों को नहीं आता तो उसका क्या डिफॉल्ट है, उसका क्या आपको नुकसान हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने पुल बैक ड्रॉ किए, अब आप लोगों ने इस वाले पुल बैक को ले लिया जो कि पुल बैक नहीं है, बट इस वाले पुल बैक को ले लिया, तो जनरली आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो ये क्या आपका एक्ट लाइक का एसएमटी। समटाइम एसएमटी से ट्रेड मिलता है, समटाइम ऐसे ऐसे हिट होता है, तो क्या होगा, आप लोगों का कैपिटल लूज होगा। इसलिए आप लोगों को ना ये चीज याद रखनी है, जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ज्यादा जरूरी होता है वैलिड पुल बैक। देन वैलिड पुल बैक के बाद आप लोग चेक करोगे आईडीएम। आईडीएम मींस इंड्यूसमेंट। प्रीवियस वीडियो में सब बताया हूँ किस तरीके से किसको देखते हैं, अभी फिलहाल सिर्फ प्रोसीडर पे फॉलो करेंगे कि उन चीजों को फॉलो कैसे करना है। तो आपने ये चेक किया सबसे पहले वैलिड पुल बैक, देन उसके बाद आप लोगों को फॉलो करना है अपना इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को किस तरीके से हम देखते हैं, तो आप लोगों को पता है इंड्यूसमेंट फर्स्ट इंटरनल लो या हाई। बट एक चीज सबसे ज्यादा जो लोग गलती कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, जो मेरे को सबसे ज्यादा डीएम कर रहे हैं टेलीग्राम पे, लोगों की सबसे ज्यादा गलती। अब देखो ये उनका इंड्यूसमेंट किस तरीके से हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आता लोग इसको इंड्यूसमेंट किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। इस लोगो को, इस लोग को अगर आप इंड्यूसमेंट पे ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका हाई भी तो होना चाहिए ना, ये लोग तभी कंफर्म होगा। अब लोग इसको हाई बोलते हैं, बट एक चीज याद रखना, जब भी लो लेते हो ना, लो या हाई, तो उसके राइट साइड उसका हाई एंड लो फाइंड होता है, उससे राइट साइड, उससे आगे, ना कि उससे पीछे साइड। पीछे की साइड कभी भी हाई एंड लो नहीं होता, हमेशा उससे आगे की तरफ ही आपको हाई एंड लो मिलता है। तो एक चीज याद रखना, अगर ये लो है ना, तो उसका हाई इसके राइट साइड होना चाहिए, इससे अबव होना चाहिए, क्योंकि ये कोई हाई नहीं है, ये मैक्रो का हाई है। अगर आप इंटरनल में देख लो ऑलरेडी, तो ये मैक्रो को हाई है, एंड मैक्रो को हाई से हम इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं कर सकते। इंड्यूसमेंट हम लोगों को कंफर्म होता है इंटरनल लो या हाई से, तो ये चीज याद रखनी। ओके, देन जब आप लोग इंड्यूसमेंट को ड्रॉ करना सीख जाओगे, तो आपके पास क्या क्लियर रहेगा, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग को किस तरीके से देखते हैं हम, सिंपल बेस पे मैं बताता हूँ। आप लोगों को बताया, विदाउट इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, और विदाउट पुल बैक इंड्यूसमेंट हमारा ड्रॉ नहीं हो सकता। तो जो ये तीन कंसेप्ट है हमारे, ये तीनों एक दूसरे से कंबाइन है, तीनों को बहुत ज्यादा जरूरी है, तीनों को किस तरीके से देख रहे हैं, चलो मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले आपको पुल बैक चेक करना आता है, तो आपने एक वैलिड पुल बैक लिया, जिस कारण आपको क्या कंफर्म हुआ, हाई। तो आप लोगों को क्या कंफर्म हो गया, हाई। हाई कंफर्म होने के बाद अब आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, इस हाई को जैसे ब्रेक किया, कंफर्म हाई था बिकॉज आपने प्रॉपर तरीके से इंड्यूसमेंट लिया था, बिल्कुल सही तरीके से पुल बैक फाइंड आउट किया था। तो पहला पॉइंट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको फाइंड करना अपना लो, तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट आपके पास कंफर्म, थर्ड पॉइंट का आपको वेट करना है, दोबारा अपना हाई कंफर्म करना है। तो हाई देखा हमने, इंड्यूसमेंट इधर लिया, तो थर्ड पॉइंट आपका इधर कंफर्म हो गया, ये वाला थर्ड पॉइंट कहाँ हो गया कंफर्म आपका, इस लेवल पे। ये तीन पॉइंट हुए आपके, ये तीनों चीजें कंप्लीट, काफी ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। किस तरीके से इसको हम चेक करते हैं, तो इस तरीके से आपको ये तीनों चीजों को क्या करना है, फॉलो करना है, तभी आप लोगों का जो है स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट होगा। देन स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद आता है मिटिगेट एंड अनमिटिगेट। देखो मिटिगेट क्या आता है, जैसे ये जोन था, इसको अभी मार्केट ने टैप कर लिया तो ये मिटिगेट हो गया, बट ये जोन को किसी ने भी टैप नहीं किया, तो ये क्या है, अनमिटिगेट जोन। मिटिगेट एंड अनमिटिगेट, इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। देन फिफ्थ बात आती है हमारी ऑर्डर फ्लो। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, अगर आप लोगों का ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है, मतलब किसी ने टैप ही नहीं किया है, यहाँ से ब्रेक होने के बाद, इस लेवल से ब्रेक होने के बाद इसको किसी ने टैप ही नहीं किया, यहाँ से ब्रेक हुआ, किसी ने छुआ भी नहीं, मार्केट सीधा ऊपर गया, फिर दोबारा इन फ्यूचर ऐसे नीचे आ रहा है, तो अगर आपका जोन जो है वो अनमिटिगेट है, अगर तो ये जैसे जोन है अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो, और आप वेट कर रहे हो ऑर्डर फ्लो का, तो एक चीज याद रखना,
अगर ऑर्डर फ्लो आपका अनमिटिगेट है तो समटाइम मार्केट आपको ऑर्डर फ्लो से ट्रेड दे देती है, बट डिपेंड आपको सारा सिनेरियो चेक करना है जिस सिनेरियो में हम ट्रेड लेते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्रीप एंट्री जो हमारी एंट्री मोडस होती है प्रॉपर फॉलो करना है हमको और फाइंड आउट करना है कि हाँ उस तरीके से मूव है तभी ट्रेड लेना है। एंड दूसरा अगर आपका ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है और ऑर्डर ब्लॉक भी अनमिटिगेट दोनों अनमिटिगेट है और ऑर्डर फ्लो से ट्रेड नहीं मिली तो ऑर्डर ब्लॉक का वेट करो ओके। एंड दोनों मिटिगेट है तो एक्सट्रीम वन पे आप आओ क्योंकि ये डिसीजनल है। एक्सट्रीम वन पे आपने देखा आपका पहले ऑर्डर फ्लो चेक किया, ऑर्डर फ्लो क्या आपका मिटिगेट है, सिंपल सा किसका वेट करो ऑर्डर ब्लॉक का। अब ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो आप क्या फॉलो करना एंट्री मोड्स एंड मेक श्योर ये जो सेवन पॉइंट है एफवीजी एंड इम्बेलेंस एंड थर्ड नाम होता है इसका आईपीए इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन। तो एफवीजी मींस फेयर वैल्यू गैप, आईएमबी शॉर्ट फॉर्म है किसका इम्बेलेंस का। तो फेयर वैल्यू गैप इम्बेलेंस चेक जरूरी करना होता है क्योंकि अनमिटिगेट कौन सा जोन होगा जिसके ऊपर क्या होगा हमारा इम्बैलेंस होगा, जैसे ये अनमिटिगेट जोन है ना तो यहाँ इम्बैलेंस बचा होगा हमारे पास, विदाउट इम्बैलेंस हम लोग इधर ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास इम्बैलेंस बचा हुआ होगा। तो ये चीजें याद रखनी है कि इम्बैलेंस जोन से ऊपर हो ओके। एंड अभी सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो अगर आपको विद एग्जांपल चाहिए किस तरीके से क्या क्या फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि सर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को चाहिए विद एग्जांपल प्रोसीडर पे, या कुछ और वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या चाहिए उसी पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे। तो मेक श्योर ये चीजें आप लोगों को समझ लेनी है, एसएमसी कोई टफ नहीं है, आप लोगों ने इसको टफ बनाया ओके, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग इसे टफ समझते क्योंकि इसमें क्या है पुल बैक देखना है एंडमेंट देखना है, ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है सिंपल है। आपको पुल बैक देखना है, आपको पुल बैक क्यों देखना है बिकॉज आपको आईडीएम लेना आना चाहिए, आईडीएम गलत हुआ तो लेवल पे ही गलत ट्रेड ले लोगे, इसलिए आपके लिए ये काफी ज्यादा जरूरी होता है। देन ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपका क्या कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कंबाइन है, इनके बिना स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं और स्ट्रक्चर मैपिंग इनके बिना नहीं। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, फिर आपको मिटिगेट अनमिटिगेट पता होना जरूरी है, देन आपको ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक पता है, ऑर्डर फ्लो फुल लेख मूव लेते हैं हम सेलिंग की एंड ऑर्डर ब्लॉक एक लास्ट कैंडल लेते हैं, कलर मैटर नहीं करता, मैटर करता है अनमिटिगेट लास्ट कैंडल ओके, तो वो हमारा मैटर करता है। इम्बैलेंस एंड एंट्री मॉड्यूल, एंट्री मॉड्यूल आपको पता है किस तरीके से सिंगल कैंडल फ्लिप एंट्रीज चौक विद इंड्यूसमेंट विदाउट इंड्यूसमेंट ये सारी एंट्रीज हम लोग क्या करते हैं फॉलो करते हैं। एक पार्ट आता है हमारा लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी हमारा क्या होता है अभी आप इस जोन का वेट कर रहे हो ओके, मार्केट यहाँ पे है टॉप पे टॉप एंड हाई पे है मार्केट, बट आप इस जोन का वेट कर रहे हो इस जोन का वेट कर रहे हो, बट इस जोन में आने के लिए आज तारीख है मान लीजिए यहाँ पे 1-2 मई, आज का एग्जाम्पल लेते हैं आज क्या है यहाँ पे 2 मई है ओके, 2 मई है इस लेवल पे और यहाँ पे मार्केट आया 20 मई के लिए, 2 मई से 20 मई तक के आप लोग ट्रेड नहीं करोगे, कुछ लोग बोले हम दूसरी करेंसी देखेंगे, कुछ कहेंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे हम पेशेंस के साथ वेट करेंगे, जी बिल्कुल भी नहीं, या तो दूसरी करेंसी पे पेयर कर रहे हो तो वेल गुड, नहीं कर रहे हो सिर्फ एक करेंसी पकड़ का है आपने कोई सा या एक इंडेक्स पकड़ रहेगा आप लोगों ने कोई सा मेटल कुछ भी आप लोग पे ट्रेड करो, ये सब जगह फॉलो होता है रूल सेम है आपको फॉलो करना है बस। तो जो ये 18 दिन का जो बीच में गैप आता है ना इसके बीच में हम यूज करते हैं लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रक्चर मैपिंग, एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है लिक्विडिटी बेस्ड पे हम स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप उसको लिंक से दिए हुए डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो कि किस तरीके से उसको हम चेक करते हैं। बाकी जब आप लोगों का स्ट्रक्चर बेस पे आपके जोन में आएगा तो आपको ये चीजें फॉलो ही करना पड़ेगा, इसी तरीके से हमारी जो एसएमसी होती है उसको हम फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करते हैं कि मार्केट को किस तरीके से हमें देखना है, क्योंकि लोगों को सब चीजें पता ही है बट उनको इनका प्रोसीजर नहीं पता कि किसको किस तरीके से फॉलो करना है। जैसे आप लोगों ने स्कूल में सुना है चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 या क्लासेस देख लो अपनी, आप फर्स्ट करते हो फिर सेकंड फिर थर्ड, कभी ऐसा तो नहीं फर्स्ट की फिर 10th कराई फिर सेकंड की फिर 9th कराई फिर थर्ड की फिर 7th कराई, ऐसा नहीं होता, प्रोसीडर होता है उनका एक प्रोसेस होता है लाइन वाइज आप लोगों को कराया जाता है, सेम उसी तरीके से आप लोगों का एसएमसी में भी चैप्टर्स होते हैं लाइन वाइज उनको क्या करना पड़ता है हमें फॉलो करना पड़ता है, तो फॉलो करने का तरीका है ये होता है। तो इसी के साथ जो आज का हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक में।